बिस्मिल्ल अलैक् नाजिराम इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक शानदार प्रोजेक्ट के बारे में जो पाकिस्तान को तरक्की के रास्तों पर गामजन कर सकता है हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट की जिसके दुनिया में तब से चर्चे चल रहे हैं जब से चीन ने यहाँ पैंसठ बिलियन डॉलर सरमाकारी का एलान किया ग्वादर एक बंदरगाही शहर है जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के साहली इलाके में वाक़ है यह शहर मान के बिलुमिल बहरा अरब में मौजूद है पोर्ट का इंतजामी कंट्रोल ग्वादर डेवलपमेंट अथार्टी और पाकिस्तान मेरी टाइम सेक्रेटरी के पास है जबकि ऑपरेशनल कंट्रोल चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी के पास है ये पाकिस्तान की तीसरी गर्म पानियों में मौजूद गहरी पोर्ट है गर्म पानियों में पोर्ट से मुराद ऐसी साहली पोट होती है जिस पर हर मौसम में तजारत की जा सकती हो क्योंकि सर्दी के मौसम में दुनिया के बहुत से साहली शहर बर्फ की लपेट में आ जाते हैं बर्फ़ की यह तह समुद्री तजारती रास्तों को बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर देती है जबकि पोर्ट की गहराई से यह अंदाज़ा किया जाता है कि इस पोर्ट पर कितना बड़ा जहाज लंगर अंदाज हो सकता है ग्वादर पोर्ट की बात की जाए तो यहाँ की गहराई 14 मीटर है और यहाँ सत्तर हजार टन वाला जहाज आ सकता है जबकि यहाँ गहराई बढ़ाने की गुंजाइश भी मौजूद है पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को दुबई पोर्ट की तरह स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल है और यहाँ से एक मुल्कों के साथ सैतालीस जहाजों के जरिए दुबई से भी बेहतर रास्ते से तजारत की जा सकती है दोनों पोर्टों में फ़र्क सिर्फ ये है कि दुबई की बड़ी जबल अली पोर्ट मुकम्मल ऑपरेशनल है और हर तरह के जहाज़ों के लंगर अंदाज होने के लिए हर वक्त तैयार है जबकि ग्वादर पोर्ट ने अभी तरक्की का आगाज किया है गौदर पोर्ट, खलीज फारस और गल्फ ममालिक दुनिया को तेल सप्लाई करते हैं उनके और एशियाई ममालिक दरमियान करीबी रास्ता फ्राहम करती है इसी वजह से गौदर पोर्ट को दुबई पोर्ट का मुतबाद करार दिया जाता है यहाँ ये मालूम भी आपको देते चलें कि ग्वादर में सरमाकारी करने वाला चीन खुद इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का खरीदार है गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के बाद जो नया चेहरा सामने आया है इसमें यहाँ से दुनिया के एक सौ छियानवे ममालिक के साथ समुद्री जहाजों के जरिए तजारत मुमकिन है मगर यह तब मुमकिन है अगर यहाँ के वसायल को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए और तमाम सहूलियात मैसर की जाएं मुस्तबिल में यहाँ 150 जहाजों को बर्थ करने और 400 मिलियन टन कार्गो रखने की तो है पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक एक फाल ग्वादर बंदरगाह जो मुल्क की तीसरी गहरी समुद्री बंदरगाह है तजारत की बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के काबिल बनाई जा रही है ग्वादर पोर्ट की सबसे ज्यादा स्ट्रेटजिक अहमियत चीन के लिए है चीन के दिफाई तजारती इलाकई मफाद के लिए यह पोर्ट शाहर की हैसियत रखती है यही वजह है कि चीन अब तक इस पोर्ट से कनेक्ट होने के लिए पैंसठ बिलियन डॉलर की सरमाकारी कर रहा है ग्वादर में बिलियन डॉलर की सरमाकारी से कई मंसूबे जारी और कई तकमील हो चुके हैं जिनमें ब्रेक वाटर मनसूबा ग्वादर पोर्ट की अपग्रेडेशन ग्वादर पोर्ट फ्री जोन ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट साफ पानी की फ्राहमी और ग्रीन ग्वादर के मनसूबे पाक चाइना फ्रेंडशिप हस्पताल कोयला निकालने और कोयले से बिजली पैदा करने के मनसूबे और समुद्री पानी को साफ करके इस्तेमाल करने के लिए डिसलिनेशन प्लांट के मनसूबे शामिल हैं। यहाँ एक मिलियन डॉलर्स की सरमाकारी से कोस्टल हाईवे तामीर हो चुका है जो ग्वादर पोर्ट को कराची से मिलाता है जहाँ से आगे सीपैक की सड़कों के जरिए ये रूट खंजराब पास के रास्ते चीन तक जाता है क्रम चीन की ग्वादर पोर्ट में दिलचस्पी की बड़ी वजह यह है कि चीन के पास गर्म पानियों में ऐसी कोई पोर्ट मौजूद नहीं है जहाँ से सारा साल पहरी तजारत जारी रह सके चीन की शंघाई पोर्ट उसके इंडस्ट्रियल एरिया से तैंतालीस सौ किलोमीटर दूर है जबकि ग्वादर पोर्ट का फासला चीन के बड़े इंडस्ट्रियल एरिया से सिर्फ पच्चीस सौ किलोमीटर के फासले पर है ग्वादरस सारा साल बहरी तजारती सरगर्मियों को बहरी जहाज़ों के जरिए कायम रखने के काबिल है पोर्ट से और के पाकिस्तान और मगरबी चीन तरक्की के मौाकों से फायदा कर सकते हैं क्योंकि काशगर से ग्वादर पोर्ट का फासला सिर्फ 1500 किलोमीटर है जबकि काशगर से चीन की मशर की कोस्ट 3500 किलोमीटर दूर है ग्वादर पोर्ट चीन की हजारों किलोमीटर दूर से तेल और गैस की दरामद को कम फासम करती है चीन की साठ फीसद तो के जराये खलीज फारस के रास्ते अमूमन स्ट्रीट आफ म श्रीलंका के जरिए पहुंचते हैं जिसके लिए चीनी बहरी जहाजों को दस हजार किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता है जबकि ग्वादर पोर्ट की वजह से यह फासला पच्चीस सौ किलोमीटर रह जाता है नज़ीनक करम ग्वादर पोर्ट की अपग्रेडेशन के बाद अब पाकिस्तानियों को यहाँ से खुशखबरियाँ मौसू होना शुरू हो चुकी हैं ज़मीनी रास्तों से ईरान अफगानिस्तान और उजबुकस्तान तजारती माहदे और बाकायदा तजारत शुरू कर चुके हैं जबकि नई ख़बर के मुताबिक अब गवादर से समुंदरी रास्तों से तजारत का आगाज़ भी हो चुका है चीन जमीनी रास्ते के जरिए ग्वादर से तजारत 2016 से शुरू कर चुका है और अब ग्वादर से पहला बहरी जहाज चीन के लिए रवाना हो चुका है ग्वादर से पहली बार बहरी रास्ते के जरिए चीन के लिए ब्राह रास्त एक्सपोर्ट को पाक चीन दोस्ती में एक नया संग मील करार दिया गया है ग्वादर से चीन के लिए बरह रास्त पानी के रास्ते एक्सपोर्ट का आगाज कर दिया गया है पहली शिपमेंट गुज्तर रोज चौबीस मई दो हजार तेईस को ग्वादर से रवाना हुई है जो आइंदा तीस रोज में चीन की बंदरगाह पहुंचेगी कार्गो कैरियर्स फार्मास्यूटिकल का खाम माल चीन पहुंचाएंगे। इस संगे मील के बाद सीपैक मंसूबा इंटरनेशनल कार्गो के लिए तैयार हो चुका है इसके अलावा ग्वादर बंदरगाह ने रूस से इंपोर्ट की गई साढ़े चार लाख मैट्रिक टन गंदम की प्रोसेसिंग के तमाम मराहल कामयाबी से तय करके अपनी ऑपरेशनल काबिलियत साबित की है कुछ अर्सा खबर रूस से नौ बहरी जहाज 2 मार्च 2023 से 3 मई तक साढ़े चार लाख मैट्रिक टन गंदम लेकर लंगरंदाज हुए थे जिससे ग्वादर पोर्ट ने गंदम की तरसील और प्रोसेसिंग में पाकिस्तान की दीगर बंदरगाहों को पीछे छोड़ दिया है गौदर पोर्ट को आबाद करने के लिए ताजरों को बंदरगाह पर मसाबकती हैंडलिंग चार्जेज़ ट्रांसपोर्ट के दौरान कार्गो की बेहतर सिक्योरिटी और हिफाजत तेज़ रफ्तार कस्टम क्लियरेंस और तीन माह तक मुफ्त स्टोरेज जैसी मराहत देने के इकदाम किए जा रहे हैं अब तक बंदरगाह के साथ साथ गदर फ्री जोन में एक हज़ार से जायद मुकामी लोगों को नया रोज़गार मिल चुका है मा कतर और ओमान से 5000 टन माया पेट्रोल गैस ग्वादर पहुंचती है और इसे यहां से दीगर ट्रांसपोर्ट के जरिए ब्रास्ता सड़क अंदरून मुल्क पहुंचाया जाता है ग्वादर बंदर का अफगानिस्तान से ट्रांजिट तजारत के लिए भी फाल है नाजी कराम ग्वादर की स्ट्रेटेजिक अहमियत को सारी दुनिया तस्लीम करती है माहरीन ग्वादर पोर्ट को एशियाई तजारती हब और गोल्डन गेट का लकब दे चुके हैं लेकिन इन मसाइल को कामयाबियों से हमकनार करने के लिए अभी पाकिस्तान को बहुत से इकदाम की ज़रूरत है बैन अवी तजियों के मुताबिक ग्वादरपोर्ट और सी पैक मनसूबों से तरक्की की वाज शक्कल दो हज़ार तीस तक सामने आ जाएगी और तब तक इस मनसूबे को कामयाब बनाने के लिए मुल्क में अमन और इसकाम की ज़रूरत होगी उम्मीद है वीडियो में दी गई मालूम आपको अच्छी लगी होंगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें मजीद वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल बारवी फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह ने नेगेवान